हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ द ब्लैक एरोप्लेन के क्वेश्चन आंसर, और मैं ये भी बताऊँगी कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। मैं हिंदी में आपको समझाते चलूँगी, जहाँ जैसे अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी हेल्प करूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आई टेक द रिस्क। वॉट इज द रिस्क? वाई डज द नरेटर टेक इट? मतलब नरेटर जो है, जो मतलब प्लेन चला रहा है, ठीक है, पायलट जो है वो बोलता है आई विल टेक द रिस्क, मैं टेक लूँगा, मतलब रिस्क लूँगा, सॉरी। व्हाट इज़ द रिस्क? और वो रिस्क क्या था? और व्हाई डज द नरेटर टेक इट? और वो क्यों ले रहा था? मतलब भाई अगर रिस्क है प्लेन उड़ाने में, तो भाई वो क्यों ले रहा था, ऐसा क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि क्यों ले रहा था। व्हेन द नरेटर वॉज फ्लाइंग बैक टू हिज होम बाई हिज प्लेन, मतलब जब नरेटर वॉज फ्लाइंग बैक टू हिज होम, मतलब उड़ा के जब मतलब प्लेन उड़ा के बाई हिज प्लेन, अपने प्लेन से जब वो अपने घर के लिए जा रहा था उड़ा के प्लेन, तो कह रहा है कि ही सॉ स्टॉर्म क्लाउड। वो क्या देखता है? बादलों का एक तूफान। कभी कभी होता है ना प्लेन में के बीच में जैसे बादल बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं और उनमें हवा चलने लगती है, और तूफान बादलों का एक आ जाता है, जैसा हम लोग टीवी में अक्सर देखे होंगे, मतलब मूवीज़ में, सीरियल्स में, सब में दिखाता ही है। तो ऐसा वो देखता है। तो सो देयर वॉज अ रिस्क टू फ्लाई प्लेन थ्रू स्टॉर्म, मतलब उस तूफान से प्लेन को लेके जाना एक अपने आप में बड़ा रिस्क था, ठीक है। तो इसी रिस्क के बारे में वो कह रहा है, मतलब कि ये इतना बड़ा रिस्क है, लेकिन तभी भी मैं क्या करूँगा, ये रिस्क लूँगा। क्यों? क्योंकि उसको घर जाना है जल्दी, इसलिए वो ऐसा कहता है कि मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मैं उसमें प्लेन उड़ाऊँगा और चला जाऊँगा घर। बट ही वॉन्टेड टू मीट हिज फैमिली एट ब्रेकफास्ट एनी हाउ, पर वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता था ब्रेकफास्ट पे एनी हाउ, किसी भी तरीके से। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था, इसका मतलब ये है कि भाई वो चाहता था कि मैं सुबह तक एटलीस्ट ब्रेकफास्ट के टाइम तक अपने घर, अपनी फैमिली के पास पहुंच जाऊं। इसी वजह से वो कहता है कि मैं ये आई विल टेक द रिस्क, मैं ये रिस्क लूँगा, ठीक है। होता है ना कहीं अगर हम कहीं से बहुत दिनों बाद घर जा रहे हों, तो जैसे अगर आप हॉस्टल में हो कहीं, तो घर जाना है, तो ऐसा लगता है कि अरे यार अगर ट्रेन नहीं भी मिल रही तो कुछ ठीक है, मतलब आपको अगर मतलब जैसे सीट कन्फर्म भी नहीं होती है तो चले जाते हो। तो उसी टाइप का है कि भाई अपनी फैमिली से मिलने की उसको बहुत जल्दी थी, तो इसलिए वो रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाता है। सो द नरेटर टेक्स द रिस्क, इसलिए वो रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्ले द एरोप्लेन इन टू द स्टॉर्म, मतलब उसके जो वो तूफान में जब वो एरोप्लेन को उड़ाता है, तो उस टाइम का एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहा है, मतलब पूछ रहा है कि उसका क्या एक्सपीरियंस था। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर आप स्कूटी से या बाइक से जा रहे हो और सामने से मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, मतलब डम्फर कह लो या फिर बड़ा ट्रक कह लो, कि दोनों तरफ से आ रही हैं और वो हट नहीं रही हैं, आप हॉर्न दे रहे हो, आपको बीच से निकलना पड़ जा रहा है, तो वो जो ये कुछ सेकेंड्स होते हैं ना जब आप निकलते हो वहाँ से बच के, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है कि अरे अब तो गया, अब तो गया, वैसा वाला एक्सपीरियंस उसको होता है। तो व्हेन नरेटर्स प्लेन एंटर द स्टॉर्म, जब उसका प्लेन जो होता है वो स्टॉर्म के अंदर, स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर पहुंचता है, तो द प्लेन स्टार्टेड जंपिंग। तो क्या होता है, जैसे हमने कई बार मूवीज में देखा है कि ऐसा हो जाता है, प्लेन क्रैश होता है और ऐसा ऐसा हो जाता है, मतलब तूफान आ जाता है, उसमें प्लेन फंस जाता है, तो अधिकतर मूवीज में ही देखा है कि हल्का सा हिलने लगता है प्लेन, जंपिंग करने लगता है, ट्विस्टिंग करने लगता है, मतलब गोल गोल घूमने लगता है, उसका जो रेडियो, कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, मतलब उसमें जितने भी लगे होते हैं चीज़ें, तो जैसे उसका कंपास जो है कभी आगे कभी पीछे बहुत तेज़ी से घूमने लगता है, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो स्टॉप वर्किंग, काम नहीं करते हैं ठीक से, कभी मतलब तेज़ काम करते हैं, कभी रुक जाते हैं, इस टाइप से हो जाता है। इन फैक्ट ही हैड नॉट मच फ्यूल एज वेल, और क्या, और तो और उसके पास मतलब हैड नॉट मच फ्यूल, उसके पास उतना फ्यूल भी नहीं था, मतलब भाई उसके पास फ्यूल भी कम था।
तो बहुत सारी परेशानियां उसके पास थी. सो इट वॉज अ वेरी फियरसम एक्सपीरियंस फॉर द नरेटर. तो इसलिए ये वाला जो एक्सपीरियंस था उसका बहुत ही भयानक डरावना एक्सपीरियंस था. तो व्हेन नरेटर्स प्लेन एंटर द स्टॉर्म क्लाउड्स द प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग द रेडियो कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो स्टॉप्ड वर्किंग. इन फैक्ट ही हैड नॉट मच फ्यूल एज वेल. सो इट वॉज अ वेरी फियरसम एक्सपीरियंस फॉर द नरेटर और पायलट. ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डरावना या भयानक एक्सपीरियंस था. नेक्स्ट हमारा क्या है, वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डिकोटा. तो वो ऐसा मतलब कहता है कि जब मैं बिल्कुल सॉरी नहीं मतलब फील करूँगा वहाँ से भागने में, जैसे ही जो उसकी प्लेन है वो लैंड करेगी वो भाग जाएगा. इस तरीके से वो कहता है कि मतलब उसको ऐसा लगता है ना, जैसे हम किसी मुसीबत से बाहर निकलते हैं तो लगता है कि अरे वाह भगवान बचा लिया हमको, हम बच गए, मतलब इस टाइप का फीलिंग उसको रहता है उस टाइम. तो द नरेटर मतलब पायलट वॉज वेरी मच डिलाइटेड दैट ही हैड लैंडेड सेफली. वो बहुत खुश होता है कि वो सेफली लैंड हो गया था. ठीक है, सेफली भाई प्लेन से वो उतर गया था आउट ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड. तो स्टॉर्म क्लाउड से वो सेफली निकल गया, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल था, मतलब बहुत ज़्यादा ही खुश था वो. ठीक है, तो देयरफॉर ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा. ठीक है, ही ऑल्सो वॉन्टेड टू थैंक द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन हु सेव्ड हिज लाइफ. और वो उस मतलब पायलट को भी थैंक यू कहना चाहता था, उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को, जिसने उसे ऐसा लगा कि उसने उसकी जान बचाई, तो वो उसको थैंक यू कहना चाहता था. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और वो डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लेड द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म. ये भी मतलब इंपॉर्टेंट है, आने के काफी ज्यादा चांसेस है. ठीक है, और वैसे तो चार पांच ही चार ही क्वेश्चन है, तो आपको मतलब इसमें से क्या ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन तभी भी ये पढ़ लीजिएगा. इम्पोर्टेंट तो चार ही है, तो चारों ही पढ़ना चाहिए. ठीक है, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा. व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली. मतलब क्या ऐसा नरेटर कहता है कि वो उस वहाँ पे जो कंट्रोल रूम में, कंट्रोल सेंटर में जो वुमेन बैठी रहती है वो उसको एकदम स्ट्रेंजली देखती है. तो भाई व्हेन द पायलट आस्क, जब पायलट जो है वो पूछता है आस्क द वुमेन अबाउट द अदर ब्लैक एरोप्लेन. जब वो क्या करता है, जो मतलब एक और जो ब्लैक एरोप्लेन होती है उसके बारे में जब वो पूछता है, तब वो शी वॉज सरप्राइज टू हियर, मतलब वो सुन के सरप्राइज होती है हियर दिस बिकॉज देर वॉज ओनली वन प्लेन. क्योंकि वहां पे भाई एक ही प्लेन थी, वन प्लेन, ओनली वन प्लेन, नॉट टू, मतलब वहाँ पे टू नहीं थी, वन प्लेन ही थी. एंड शी सॉ इन रडार, और रडार जो होता है जहाँ से हम देखते हैं कि प्लेन कहाँ पहुँची, मुसीबत में तो नहीं है, ठीक ठाक चल रही है वगैरह वगैरह. तो देयर वॉज ओनली वन प्लेन, वहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेन उसको रडार में दिखती है. तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है जब वो पूछता है पायलट उससे कि वो जो दूसरा ब्लैक एरोप्लेन था वो उसके पायलट कहाँ है. वो उसको थैंक यू बोलना चाहता था, तो इस वजह से वो बहुत स्ट्रेंजली देखती है कि अरे ऐसा कुछ तो था ही नहीं, वहां तो एक ही प्लेन थी, तो ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं. तो इस टाइप का मतलब होता है. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली. आप सोच, आप मतलब किसने, आप ऐसा आप क्या सोच सकते हो कि किसने नरेटर की हेल्प की होगी वहाँ पहुँचने के लिए सेफली. डिस्कस दिस अमॉन्ग योर सेल्फ अपने एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर. मतलब आप डिस्कस कीजिए इसे और हमें रीज़न भी दीजिए आपके आंसर का, कि आपके आंसर, आपको जो भी आंसर दोगे तो उसके पीछे का क्या रीज़न होगा. देर इज़ नो डेफिनेट आंसर टू एक्सप्रेस, मतलब ये कोई इसका डेफिनेट आंसर नहीं हो सकता एक्सप्रेस करने के लिए कि ही वॉज द अननोन पायलट, कि हु वॉज द अननोन पायलट, कौन वो अननोन पायलट था हु हेल्प द नरेटर, जिसने नरेटर की हेल्प की. इट मे बी एन इल्यूजन
ऑफ द पायलट और देयर मे बी सम सुपर नेचुरल पावर हु हेल्प द पायलट। हो सकता है कि उसका भ्रम हो, मतलब उसे ऐसा लगा हो कि कोई उसकी हेल्प कर रहा है। जैसे होता है ना कि हम कभी कभी मुसीबत में फंस जाते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमारी हेल्प की, और हमें ऐसा लगता है कि हाँ मतलब हमने भगवान से बोला और हमारी हेल्प हो गई, हम बच गए वगैरह वगैरह। तो कुछ भी हो सकता है ऐसा, मतलब यहाँ पे कहना है कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हम भाई ये कह नहीं सकते कि ये ही पर्टिकुलर पर्सन है जिसने उसकी हेल्प की। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन आंसर इसके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं फिर से मिलूंगी। अगर आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आए हो, मेरी वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। अगर आपको कुछ और भी समझना है, कोई और चैप्टर, सेंट्रल आइडिया या फिर कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।